नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे कानपा एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने इस लेक्चर में हम यूपीएससी मेंस सॉल्यूशंस 2019 सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जनरल स्टडीज़ पेपर वन के क्वेश्चन नंबर 5 को एनालाइज करेंगे। और दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। देन लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ऑफ टुडे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डिस्कस द कॉजेस ऑफ डिप्लेशन ऑफ मैंग्रोव एंड एक्सप्लेन देयर इम्पॉर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। यहाँ पर दोस्तों जो डिस्कस है एक डायरेक्टिव वर्ड है, और दोस्तों मैंने बताया है कि डायरेक्टिव वर्ड के तौर पर अगर कहीं पर भी डिस्कस होता है तो उसमें हम कॉजेस एंड इफेक्ट की बात करते हैं। यानी सिंपल ये हमारा हाउ एंड वाई वाला ये एक तरीके का डायरेक्टिव वर्ड होता है, जिसमें हमें हाउ की भी बात करनी होती है और वाई की भी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात करनी है, एक तो इसकी इम्पॉर्टेंस बतानी है और साथ ही साथ इसके जो डिप्लेशन के कारण हैं, मैंग्रीव के डिप्लेशन के कारण है वो क्या है ये बताना है, और इसको वाई एंड हाउ के टर्म्स में बताना है। तो आइए अपना फटाफट आंसर कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इसको देख लेते हैं सिलेबस में ये कहाँ मेंशनड है। तो दोस्तों जनरल स्टडीज़ वन के ज्योग्राफी में आप जब देखेंगे सिलेबस में तो आपको दिखेगा ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स। तो ये दोस्तों जो मैंग्रोव वाला टॉपिक है वो यहीं से रिलेटेड है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर अपना आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन आने का सबसे मुख्य कारण जो था वो ये था कि WWF की यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक रिपोर्ट आई थी जो कि मैंग्रोव के ऊपर थी। और दोस्तों ये मैंग्रोव के जो एक तरीके से सिचुएशन को बताता है वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन को बताता है। ये रिपोर्ट कह रहा है कि जो वर्ल्ड का 35% मैंग्रोव है वो अब बर्बाद हो चुका है, अब दुनिया में वो नहीं रहा है, यानी वो ख़त्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। और दोस्तों इंडिया के पास वर्ल्ड का 50% से ज़्यादा मैंग्रोव है, इसीलिए इंडिया के ऊपर ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने मैंग्रोव को बचाने के लिए कुछ करे। जो मैंग्रोव होते हैं सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होते हैं दोस्तों, और इसीलिए उनका जो लॉस है वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी एक तरीके से खतरनाक साबित हो सकता है। और दोस्तों इसीलिए इस रिपोर्ट के चलते यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ लिया है 2019 के मेंस। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिप्लेशन का कारण क्या है और जो डायरेक्टिव वर्ड था वो डिस्कस था। तो वहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि उसमें हाउ एंड वाई लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं ये बता दे रहा हूँ कि जो डिप्लेशन का कारण है वाई वो क्या क्या है। तो उसमें दोस्तों अर्बनाइजेशन इन्वॉल्व है, इसमें दोस्तों डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इरिगेशन प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो भी इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये सब दोस्तों इन्वॉल्व है। अब दोस्तों इसका जो हाउ है यानी ये कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं ये सारी चीज़ें, तो देखिए दोस्तों इन सब कामों के लिए अर्बनाइजेशन हो, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए डैम बनाना हो, एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज़ हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कोई सी भी चीज़ हो उसके लिए ज़मीन चाहिए होती है, और इसी ज़मीन को हथियाने के लिए दोस्तों मैंग्रीव लैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों इसी वजह से ये जो एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है मैंग्रोव की एक तरीके से आबादी पर, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमने वाई एंड हाउ दोनों ही कवर कर लिया है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये सब भी रीज़न है। और इसके पीछे जो हाउ है वो यही है कि इन सब कामों को करने के लिए हम मैंग्रोव लैंड पर डिपेंडेंट हैं। अब दोस्तों अपने क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है कि यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए ये कैसे काम करता है मैंग्रोव, तो आइए उसको समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों नर्सरी के तौर पर मैंग्रोव काम करता है बहुत सारी फिशेज और इनवर्टिब्रेट स्पीसीज़ के लिए, यानी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये नर्सरी की तरह काम करता है उनके लिए, यानी फूड का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। और दोस्तों इसके अलावा काफ़ी सारे जो एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फोना हैं वो एक तरीके से इसके अंडर में शेल्टर लेती हैं, यानी रहती हैं। उसके अलावा दोस्तों ये नेचुरल बफर का भी काम करता है जो हमें साइक्लोन
और सुनामी के होने वाले नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। ये तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है इसके दोस्तों। इसके अलावा आप इसे एक अच्छा सिंक भी मान सकते हैं CO2 का, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ये जो है एक तरीके से रिवर का जो फ्लो होता है उसको भी मेंटेन करने में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें वाटर को प्योरीफाई करने की यानी फिल्टर करने की भी कैपेबिलिटी होती है, और ये सारी इम्प्योरिटीज़ को अब्जॉर्व कर लेता है। तो काफ़ी अच्छा ये एक तरीके से बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है, और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी इसकी हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों अब ये है हमारी इस वीडियो का एंड। हमने यहाँ पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अच्छे से सॉल्व कर लिया है इसको। आपको किसी चीज़ के बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।